पोको M6 Plus 5G रिसेंटली ये वाला फोन लॉन्च हुआ है एंड प्राइसिंग इस वाले फोन की आप लोगों को 12-13 हजार रुपए के आसपास देखने को मिल रही है एंड ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में ही आप लोगों को वीवो का T3X और आइको का Z9X भी देखने को मिल जाता है। अब ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि हमें इस वाले प्राइस पॉइंट के आसपास गेमिंग के लिए स्पेशली कौन सा फोन परचेस करना चाहिए एंड वही चीज मैं आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो हमारी 3 पार्ट्स में होने वाली। फर्स्ट पार्ट में हम लोग फोन की स्पेसिफिकेशंस वगैरह के बारे में बात करेंगे, सेकंड पार्ट में मैं इस वाले फोन की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आप लोगों को बताऊंगा एंड थर्ड पार्ट में कंक्लूजन रहेगा जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को इस वाले फोन को परचेस करना है या फिर नहीं करना है। सो चलो हम लोग भाई फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस वाले फोन में आप लोगों को स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 एक्सेलरेटेड प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। ये वाले प्रोसेसर की परफॉर्मेंस आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी हमारे नॉर्मल स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 के मुकाबले, लेकिन उतना कुछ ज्यादा बड़ा डिफरेंस आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। बस ऐसा समझ लो कि एक नए नाम से सेम ही प्रोसेसर लॉन्च कर दिया इन लोगों ने, बस थोड़ी सी परफॉर्मेंस को अच्छा कर दिया है। ये प्रोसेसर भी अगेन 2.3 GHz पे क्लॉक्ड है एंड 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है एंड अराउंड 4.5 लाख के आसपास के अंतिम स्कोर से वाला प्रोसेसर आप लोगों को निकाल के देने वाला है। ओवरऑल डे टू डे यूजेस में या फिर अगर आप लोग किसी भी नॉर्मल टास्क करो उसमें आप लोगों को फोन में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फोन एकदम स्मूथली लैग फ्री परफॉर्म करने वाला है। गेमिंग के बारे में बात करें तो BGMI के अंदर आप लोगों को इस वाले फोन में 40 FPS का ही सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि स्मूथ प्लस अल्ट्रा की सेटिंग्स एंड ठीक ठाक गेम प्ले आप लोग फोन में कर पाओगे। ऐसा सच उतना लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह के साथ अपना गेम प्ले करना चाहते हो तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी फोन में। देन बात करें जायरोस्कोप की तो वो भी आप लोगों को फोन में देखने को नहीं मिल रहा है, जिस वजह से आप लोगों का जायरोस्कोप तो इनेबल हो जाएगा लेकिन आप लोगों को डिले बहुत ज्यादा जायरोस्कोप में देखने को मिलेगा, इसीलिए जायरो प्लेयर्स के लिए ये वाला फोन रिकमेंडेड बिल्कुल नहीं रहने वाला है। नाउ फोन के अदर फीचर्स के बारे में बात कर ले तो फोन में आप लोगों को 6.79 इंचेस का एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिल रहा है जो कि फुल HD प्लस है एंड 120 हर्ट्ज को सपोर्ट करता है, यानी कि स्मूथनेस आप लोगों को अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी फोन में। बाकी AMOLED डिस्प्ले नहीं है, आप लोगों को IPS LCD डिस्प्ले ही देखने को मिल रहा है। 5030mAh की बैटरी आप लोगों को फोन में देखने को मिल रही है एंड चार्जर आप लोगों को 33W का दे रखा है। फाइनली कहीं तो भाई अपग्रेड कर रखा है इन लोगों ने, चार्जर अच्छा दिया है। देन कैमरा भी आप लोगों को फोन में अच्छा देखने को मिल रहा है। 108MP का एक सैमसंग का कैमरा सेंसर आप लोगों को बैक में देखने को मिल रहा है, जिसके साथ आप लोगों को एक 2MP का मैक्रो सेंसर भी मिल रहा है। देन सेल्फी कैमरा इन लोगों ने 13MP का दे रखा है एंड कैमरा के मामले में तो फोन बढ़िया है, फोटोज वगैरह फोन अच्छी निकालता है, वीडियोज वगैरह भी आप लोग फोन से अच्छे खासे कैप्चर कर सकते हो। स्पीकर आप लोगों को डुअल नहीं देखने को मिल रहा है, सिंगल स्पीकर के साथ ही फोन आता है। बाकी डिजाइन वगैरह फोन का अच्छा है एंड ग्लास बैक के साथ भी फोन आ रहा है जो कि बढ़िया चीज है। इसके अलावा फोन पोको की तरफ से आता है, दैट मींस कि आप लोगों को हाइपर OS फोन में देखने को मिल जाएगा एंड एंड्रॉइड 14 के साथ फोन आने वाला है। प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें तो ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम तो आप लोगों को फोन में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन पर्सनली आई थिंक कि एटलीस्ट जायरोस्कोप फोन में प्रोवाइड करना चाहिए था इन लोगों ने, क्योंकि भाई जितने भी अदर फोन्स आप लोगों को इस प्राइस पॉइंट में देखने को मिलते हैं मैक्सिमम में आप लोगों को जायरोस्कोप मिल जाता है। देन स्पीकर्स भी अगर ये लोग सिंगल की जगह डुअल देते तो वो चीज भी बढ़िया हो जाती, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग तो करना पड़ेगा। अदर फीचर्स क्योंकि आप लोगों को फोन में अच्छे मिल रहे हैं इसलिए इस चीज को हम लोग समझ भी सकते हैं। नाउ फाइनली बात कर लेते हैं कि आप लोगों को इस वाले फोन को इस टाइम पे परचेस करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। इस चीज के लिए आप लोगों को सबसे पहले फोन के प्राइसिंग को समझना पड़ेगा। देखो इस वाले फोन का आप लोगों को बेस वेरिएंट यानी कि 6128GB वाला वेरिएंट अभी तो 12K में देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी नॉर्मल प्राइसिंग आप लोगों को 13.5K देखने को मिलने वाली है एंड सेम प्राइस पॉइंट में आप लोगों को IQ का Z9X और Vivo के T3X का 4 128GB RAM वाला वेरिएंट देखने को मिल जाता है। एंड मेरे अकॉर्डिंग भाई Vivo का T3X या फिर iQOO का Z9X बहुत ही ज्यादा बढ़िया फोन है इस वाले फोन के मुकाबले, क्योंकि उनमें आप लोगों को Snapdragon का 6 Gen 1 प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। Snapdragon का 4 Gen 2 एक्सेलरेटेड का 6GB RAM वर्सेस Snapdragon का 6 Gen 1 की 4GB RAM, ऑब्वियसली 4GB RAM वाला वेरिएंट यहां पे जीतने वाला है। स्पेशली अगर आप लोग एक ऐसा फोन चाहते हो जिसमें आप लोग गेमिंग वगैरह कर पाओ अच्छी खासी, तब तो आप लोगों को इस वाले फोन को परचेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंस आप लोगों को उतनी अच्छी देखने को नहीं मिल रही है एंड एक और चीज आप लोगों को इस वाले फोन में जायरोस्कोप का सपोर्ट भी नहीं देखने को मिल रहा है। वहीं पे Vivo T3X या फिर iQOO का Z9X आप लोगों को दोनों चीजें प्रोवाइड कर रहा है। बाकी अगर फ्यूचर में इस वाले फोन का प्राइस ड्रॉप होके अराउंड 10K के आसपास आ जाएगा उस केस में मैं इस वाले फोन को हाईली रिकमेंड करूंगा, क्योंकि 10K के हिसाब से फीचर्स फोन में अच्छे खासे आप लोगों को मिल रहे हैं। सो वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी एंड फोन के ऊपर अपने ओपिनियंस आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।